बच्चों, आज कुछ फिर ऐसा हुआ कि मुझे पीछे टीचर की ये हेडिंग लिखनी पड़ी। तो थोड़ी बात करते हैं कि टीचर कौन होता। बेटा, टी स्टैंड फॉर ट्रस्टवर्दी। एक टीचर को ट्रस्टवर्दी होना बहुत जरूरी है। ट्रस्टवर्दी बोले तो टीचर जब एक क्लास में आता है, एक बैच में आता है, कहता है मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपका सिलेबस पूरा कराऊंगा, तो बच्चे उस पर भरोसा करते हैं। बच्चों को लगता है कि यही हमारा उद्धार करेगा और बच्चे सब कुछ भूल के टीचर को ही अपना सर्वे सर्वा समझते हैं और वही करते हैं जो टीचर उसको कहता है। तो टीचर, असली टीचर का ट्रस्टवर्दी होना बहुत जरूरी। ई स्टैंड फॉर इनकरेजिंग। जो बच्चों को इनकरेज करे अपनी प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए, असली टीचर वही। हर किसी के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा छुपी होती है। जो बच्चों को इनकरेज करे वो है असली टीचर। एबल। एक गुरु बनने के लिए आपको पहले कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, हिमालय पे जाकर सिद्धि प्राप्त करनी पड़ती है। बेटा, जब आप उस कड़ी जो कहते हैं तपस्या करते हो, तब जाकर आप काबिल बनते हो कि आप किसी को कुछ सिखा सको। गुरु बनने के लिए बहुत 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 मेहनत करनी पड़ती है। तो एक टीचर का एबल होना बहुत जरूरी। केयरिंग। जो उसके शिष्य हैं, जो उसके स्टूडेंट्स हैं, उसकी परवाह होनी चाहिए, उसको केयरिंग होना चाहिए, उसके भविष्य के लिए कंसर्न्ड होना चाहिए। असली टीचर वही है बेटा जो अपने बच्चों की केयर करता है, अपने स्टूडेंट्स की केयर करता है, उसके हर एक इमोशंस के साथ खड़ा होता है, दुख में, सुख में, घबराहट में, सही से उसको गाइड करता है, उसकी केयर करता है। तो केयरिंग एक टीचर का होना बहुत जरूरी है। ऑनेस्ट। कहते हैं बेटा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप अपने बच्चों के लिए ऑनेस्ट नहीं हो, अगर आप अपनी खुद के लिए ऑनेस्ट नहीं हो, तो बेटा आप एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते, आप गुरु नहीं बन पाओगे। गुरु बनने के लिए आपका सच्चा होना बहुत जरूरी। सच्चाई बहुत जरूरी है बेटा। अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो तो आप एक गुरु नहीं हो। हो सकता है कि आप एक बिजनेसमैन, लेकिन कम से कम आप एक गुरु नहीं। ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है बेटा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एम्पैथेटिक का मतलब आप वो सब फील कर सको जिससे आपका स्टूडेंट गुजर रहा। आप अगर अपने स्टूडेंट की फीलिंग को समझ सको तभी आप गुरु बनने के लायक। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको आपके स्टूडेंट्स की फीलिंग्स की केयर नहीं है, तो बेटा आप अच्छे टीचर कहलाने लायक नहीं हो। एम्पैथेटिक होना बहुत जरूरी। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू नीड टू बी अ रोल मॉडल। टीचर जो है, इसकी जॉब एक आम जॉब नहीं है बेटा। इसके टीचर्स के हाथों में ही पूरा भविष्य है, इस देश का भविष्य है, इस विश्व का भविष्य। वही इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सारे प्रोफेशन वहीं से निकलते हैं बेटा। पूरी इकोनॉमी वहीं से चलती है।
तो बेटा एक टीचर का रोल मॉडल होना बहुत जरूरी। अगर आप केवल पढ़ाई दे रहे हो, केवल पढ़ाई दे रहे हो, ठीक है ना, आप तब भी अच्छे टीचर, आपको उसके सामने एक रोल मॉडल होना पड़ेगा। एक बार गांधी जी से मिलने के लिए एक लेडीज आई, उसने कहा कि मेरा बच्चा ना मीठा बहुत खाता है, ये बहुत मीठा खाता है, कुछ इसको ऐसा बताओ कि मीठा छोड़ दे, आप कुछ समझाओ इसको कि मीठा छोड़ दे। तो गांधी जी ने कहा कि आप मेरे पास 15 दिन के बाद, तब मैं इसको समझाऊंगा कि भैया तू मीठा छोड़ दे, मीठा से ये नुकसान हो जाएगा। तो उस औरत ने पूछा कि आप मुझे 15 दिन के बाद क्यों बुला रहे हो, आप आज क्यों नहीं समझा देते। तो गांधी ने कहा कि भाई मुझे इनको समझाने के लिए पहले खुद मीठा छोड़ना पड़ेगा, पहले मुझे खुद मीठा छोड़ना पड़ेगा, जब तक मैं खुद मीठा नहीं छोड़ूंगा ना, तब तक मैं इसको मीठा छोड़ने के लिए कह नहीं सकता। आई नीड टू बी ए रोल मॉडल टू टीच यू समथिंग। इसी तरीके से बेटा केवल एजुकेशन नहीं, पूरे लाइफ के जो रोल्स हैं आपको सिखाने के लिए एक टीचर होता है। एक टीचर का जो रोल आपकी लाइफ में होता है ना बेटा, वो केवल एजुकेशन तक सीमित नहीं रहता, एक सब्जेक्ट की एजुकेशन तक सीमित नहीं रहता। आप एक बहुत बड़ा समय अपने टीचर के साथ बिताते हैं, एक बहुत बड़ा समय, उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हो, उसमें बहुत भरोसा करते हो, उसमें बहुत भरोसा करते हो। तो एक टीचर का रोल मॉडल होना भी बहुत बहुत जरूरी है, उसको वो सब कुछ करना चाहिए जो वो चाहता है उसके स्टूडेंट्स का रोल मॉडल होना बहुत जरूरी। टीचिंग एक बिजनेस नहीं है, केवल इसको बिजनेस की नजर से देखना सही नहीं। मैं हमेशा कहता हूं बच्चों को, बेटा मेरे कस्टमर मत बनो, मेरे स्टूडेंट्स बनो, मेरे कस्टमर मत बनो बेटा, मेरे स्टूडेंट्स बनो। जब आप मेरे स्टूडेंट्स बनोगे ना, तब मैं वास्तव में आपको सिखा पाऊंगा। गलती टीचर्स की भी नहीं है बेटा, अगेन कलयुग है, कलयुग क्या करें, क्या करें। खैर, अगेन कुछ बातें जो मन में आती हैं कह दी जाती हैं, बढ़ते हैं आगे।